नमस्कार, आज खबर को स्वागत करछना। संपूर्ण खबर देखा पूर्व प्रथम नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। अभिनव ढंग से मशारी भितर बसिले 26 नंबर वार्ड कॉर्पोरेटर गगन ओझा। दंडमुक्त अंचल दंडयुक्त व्यवस्था, शिक्षक जने छात्र को अति निर्दय भाव में माड़मारी करिछंति गुरुतर। थानार द्वारस्थ हेले छात्रों परिवार। टेटलागड़ को जिला मान्यता दाबी रे 12 घंटिया बंद डाकरा। अभिनव ढंग से मशारी भितर बसिले 26 नंबर वार्ड कॉर्पोरेटर गगन ओझा। कटक गत किछि दिन हला प्रबल मशा होइतिबारु एहार प्रतिवाद करी महानगर निगम 26 नंबर वार्ड कॉर्पोरेटर गगन ओझा गेट सामने मशारी भितर बसि प्रतिवाद करिथिले। गगन ओझाकर कहिबार कथा मेयर जो कटक को यूरोप करदे स्वप्न रहीगला। मशार प्रकोप सहर से एत बढ़े मनीष कौटी ठिया हो कथबार्ता भी करना। सहर से जो भाई भाव में डेंगू मुंड टेकुची एपर्तंत मेयर किसी भी व्यवस्था करना। तेणु आज कटक महानगर निगम बीजेपी कॉर्पोरेटर गगन ओझा अभिनव ढंग से मशारी भितर पशि जो भाई भाव में प्रतिवाद करहर से चर्चार विषय पलटि। कटक सहर से आज्ञा रेकर्ड संख्यक मशा इस वर्ष होती आ पूर्वर केत संख्यार मशा कटकवासी देखी ना। घर बाहर राजरास्त जनगहलीपूर्ण रास्ता जनशून्य रास्ता गाड़ी मटर जलखिया स्थान में जोटी आज्ञा देखिए मशा प्रादुर्भाव नहीं ना। कथा कटक सहर से आम अनुरोध करुच्छ कटक महानगर निगम करतृपक्ष मेयर सुभाष भाई को से कटक प्रति जदि आंतरिकता किसी थाए से एक सब कमिटी गठन करूँ। कटक सहर से एवं जो मशार प्रादुर्भाव बढ़ी चली ताकि दुई दिन भितर एक दृष्टानमूलक कार्यक्रम करूँ एवं कटक सहर से दुई दिन भितर कि मशा मान उत्पाद किसी मात्रा कम प्रति से सचेतन हूँ। कटक्रु जावेद अहमद की रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। दंडमुक्त अंचल दंडयुक्त व्यवस्था, जड़े शिक्षक छात्र को अति निर्दय भाव में माड़मारी करिछंति गुरुतर। थानार द्वारस्थ होइछंति छात्रों परिवार लोके। एभली एक घटना घटी कप्तिपदा ब्लॉक कप्तिपदा उप्रा विद्यालय। गतकाली द्वितीय श्रेणी छात्र शुभ बेहरा विद्यालय जाइथिले। मध्याह्न समय से विद्यालय पाखरे थिबा नालरु बाड़ी साहाजरे मृत सापटी को उठाइथिले। जहाँ बाबदरे अन्य छात्र माने शिक्षकों निकटरे कहिबा परे विद्यालय शिक्षक जयंत कुमार मल्लिक किछि नबुझी नसुझी शुभ बेहरा को अति निर्दय भाव में माड़मारी पिलाटीर पिठी को फाटी देथिले, जहाँफल शुभ गुरुतर भाव में आहत होती। छात्र जनक विद्यालय घर को फेरबार दीर्घ समय पर लोके ए घटना बाबदे जानवाक छात्रर पर लोक संप्रक्त शिक्षकों विरुद्ध कप्तिपदा थाना लिखित अभियोग करी। छात्रर अवस्था गुरुतर रही बेले कप्तिपदा डाक्तखाना चिकित्सित करो को पुजाला स्कूल सी गोटे बेले कौन मला साप गोटे ड्रेन पड़ता सी उठाऊ बाड़ी में किए जाए छोट छुआ गोटे किए जाए कही सार को सार सी शुभ टेकुचे बोली सापटा सी आसिकी कि न बुझिकी सी जयंत सार सी आसिक छुआ को बेक को नही दे कि गोटे जगह तीन बाहर बसई बसला छुआ देखा आस बेकदंड बसई छुआ देखा आस घर पहुँचला चार्टा बेले आसला शेर फुलिक अच्छी बरफ दे कि मलम दे घसला छुआ को ज्वर आसला ज्वर आला देख ला मेडिसिन देला ज्वर ज्वर कमी जाइए पुअर पीठ रूला बसी जाइए पचा पड़ जाए। आज्ञा सका छुआ स्कूल जाइला भल छुआ स्कूल ले गोटे बेले स्कूल ले माड़ है छुआ मान चार बेले घर को घूरला बेलू पीठ सारा दाग पड़ी स्कूल लो जयंत सार पिटिंट छुआ कौन से सामने ड्रेन लो कौन मल्ला साप गोटे बाड़ी टेकुला से किए छुआ कम्प्लेन कले कि सार शुभ पुना शुभम आप धरी से सारे पिटिंट आ दिन गोटाए पाखु माड़ चारिटा जाए पिठीर दाग एत पर्यंत भी जाईना आम बरफर मारिकी मलम फलम लगे मालिश भी करूँ आ पिठर दाग अच्छी छुआ को ज्वर जोर आसला छुआर पिठी सारा बथा छुआ पीठ देखना कि छुईवाई भी कह दौना छुआर बयस 6 वर्ष। मयूरभंज संजीव कुमार रंजित का रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। टेटलागड़ जिला दाबी को नहीं आज टेटलागड़ बंद डाकरारे सहरवासी संपूर्ण भाव
समर्थन सहित आंदोलन में सामिल होती। जिला क्रियानुष्ठान कमिटी आवाहक संजय बेहरा नेतृत्व में बहु संख्यारे सहरवासी उपजिलापा कार्यालय सम्मुखें सका छु धारणा देती। अनुष्ठित बाइक शोभायात्रा टिटलागढ़ सहर बहु लोक जोगद समस्त दोकान बजार शिक्षानुष्ठान सरकारी बेसरकारी कार्यालय बंद रहा सहित जानवाहन चलाचल संपूर्ण भाव ठप रही। आंदोलनकारी सहरर विभिन्न छकरे टायर जली रास्ता अवरोध मध्य करिछंति। गरीब सेना सभापति वीरेन्द्र बाग, विकास सेना सभापति इंजीनियर अम्लान षडंगी, जिला सरपंच संघ सभापति वीरबर साहू, काउंसिलर बुधिया आचार्य, व्यवसायी संघर संपादक गोपाल जैन, नारी नेत्री अंजलि बेहरा आदि आंदोलन में सामिल हो भारप्राप्त मजिस्ट्रेट प्रेमलाल दिहाल, एसडीपीओ अंकिता कुमार, आईआईसी रंजन बरिया नेतृत्व में सहरर विभिन्न छक व्यापक पुलिस बल मुतयन करा जायथिला। 30 वर्ष रो ऊर्ध समय होगा आम टिटलागढ़ को स्वतंत्र जिला मान्यता पाई दाबी कर 13 जिलूर 30 जिला है मान्यवर मुख्यमंत्री विगत दिन में आमको प्रतिश्रुति कि प्रतिश्रुति से रक्षा कर पारिना एणु आम राजस्ता को ओल्लवाई बाध्यु एवं यही आंदोलन टी आज 12 घंटिया जो दिखाई आगामी दिन में भयावह रूप आम देवा निष्पत्ति एणु आपण मध्यम आम माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करुँ टिटलागढ़ को स्वतंत्र जिला मान्यता जिते शीघ्र हम दी दिखाई। टिटलागढ़ मोहिचन रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। परिवहन कार्यालय मुख्य रास्ता को माटी पकाई रास्ता अवरोध कले जमी मालिक। गंजाम जिला भंजनगर आंचलिक परिवहन कार्यालय मुख्य रास्ता को माटी पकाई रास्ता अवरोध करिछंती जमी मालिक, जहाँ फलरे कार्यालय को परिवहन अधिकारी एवं फिटनेस पई आसुथिबा गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट पई जाई पारिनथिले। तबे खबर पाई भंजनगर पुलिस एवं तहसीलदार घटनास्थल रे पहुंची जमी मालिक मानक सहित आलोचना करिछंती। पटाथिबा जमी रे रास्ता निर्माण करा जायथिबा बेले रास्ता को लागि रहिथिबा सरकारी जमी आमको प्रदान करा जाउ बोली जमी मालिक बारंबार जिलापालंक ठारु आरंभ करी तहसीलदार समस्त को अभियोग करुथिले किंतु केही तांकर गुहारी सुणु नाहंती। तुरंत जदि एहार स्थायी समाधान न हुए तेबे रास्तारु माटी हटिबो नाही बोली रोकठोक जमी मालिक कहिछंती। एही आंचलिक परिवहन कार्यालय मुख्य रास्ता रे 7 जणकर जमी जाइछि जोंथिपई आज रास्ता अवरोध करी जमी मालिक बसिछंती। अन्यपटे जमी मालिकंकर रास्ता अवरोध कारणरु दूर दूरांतरु आसुथिबा बहु लोक हत्तसंत होइथिबार देखिबाकु मिलिथिला। आमे रास्ता ब्लॉक करछु आमर प्राइवेट लेन रे गवर्नमेंट रास्ता नै जाइछि बारंबार कहिबा सत्वे माने एमार समाधान करनाहांदि। पूर्वर भी स्ट्राइक करथिलु तहसीलदार कहिले आमे समाधान करिवु बोली किंतु किछि तार समाधान करा जाउनि। बारंबार तहसील ऑफिस को जिबा पर भी तहसीलदार किसी समाधान करना आपड़ एत दिन पर्यटन कहीं शोले ये कथबार्ता कर तहसीलदार आर आई पाक गले आर आई स्टाफ ना बर्षा हो समय अभाव एम सब कहीक डिमार्केसन कर प्राइवेट रास्ता उपरे से मैं जबरदखल सरकार नहीं पट्टा जमी उपरे आमर कर विभिन्न प्रकार अनुष्ठान कले आम कलेक्टर महाशय को एसपी विडीओ सब कलेक्टर तहसीलदार समक इनफर्मेसन कलु ताफल से आसिक सर्भे कले से आप जगह जातु प्रकृत आम को जगह जाते जामती आज पर्यटन किसी इनफर्मेसन दौन थे आम स्ट्राइक करूँ आम समाधान करे कि आज पर्यटन कौन समाधान आम अफिश धाई धाई आम समय बीतीगला। संतोष कुमार गौड़ रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। आज भुवनेश्वर स्थित जयदेव भवन ठारे शाबास दिलीप नामरे एक विशेष फोटो प्रदर्शनी देखा मिलता। ओडिशार सुनामधन्य क्रीड़ा सांबादिक संबित महापात्र द्वारा गत 20 वर्ष धरी संगृहित दिलीपंकर फोटो सबु एठारे स्थानित होईछि। प्रदर्शनी को भारतीय हॉकी संघर सभापति पद्मश्री दिलीप तिर्की निजे उद्घाटन करथिले। प्रदर्शनी रे निजे फोटो गुड़िक देखा पर से आनंद अनुभव करने सहित खूब उत्साहित हो पड़ते। से भारतीय दलर अधिनायक भाव में ओलंपिक एशियन गेम्स चैंपियन ट्रॉफी खेली ओडिशा सहित भारतर मध्य गर्व एवं गौरव भाव में उभा होती। से भारत पक्षर 412 अंतर्जातीय हॉकी मैच खेली से आज से समस्त प्रेरणार उत्स पलटि जाती। ओडिशा अस्थायी कर्मचारी मिलित मंच पक्षर एक जरूरी सांबादिक सम्मिलनी भुवनेश्वर स्थित कर्मचारी भवन ठारे
सभापति श्री सुरेंद्र कुमार स्वाईं सभापतित्वरे अनुष्ठित होइ सम्मेलनी रे मंचर अध्यक्ष तथा पूर्वतन विधायक श्री प्रभात कुमार त्रिपाठी उपदेष्टा श्री सुधांशु शेखर पति सहित राज्यर समस्त जिलार प्रतिनिधि माने योगदान करथिले। एथिरे राज्य सरकार अधीन 12/4/1993 ठारु आज पर्यंत दीर्घ 29 वर्षरु अधिक समय धरी सरकार विभिन्न कार्यालय दिन राति कार्य करी आसुथिबा विभिन्न वर्गर अस्थायी कर्मचारी मानकु स्थायी करिबा दाबी उपस्थापना करा जायथिला। जदि सरकार एहा उपरे किछि पदक्षेप नेबे नाही ताहले आसंता जनवरी मासरे सारा राज्यर अस्थायी कर्मचारी मानकु राजधानी चाल डाकरा दिया जाय महासमावेश करा जिवो। एहा सहित सरकारंकर विभिन्न कार्यक्रम रे असहयोग करि कार्य बंद परि चरम पदक्षेप निया जिवो बोली निष्पत्ति निया जायछि। एही सांबादिक सम्मेलनी रे रविन्द्र सामल, सुदीप नारायण महंती, मानस महंती, जितेंद्र त्रिपाठी प्रमुख उपस्थित थिले। 12/4/93 परे थिबा समस्त अस्थायी कर्मचारी मानंकु स्थायी करबा पई आमर आज ए मिलित मंचर आह्वान। आमर ओडिशा रे जते अस्थायी कर्मचारी अछन्ति सरकार ओडिशा सरकारंक अधीन रे समस्त स्थायी करने आम मिलित मंच मध्यम आह्वान करूँ। आज आपण सांबादिक सम्मेलन मध्यम आम सरकार को कहवाक चाहूँ सरकार आम दाबी पूरण न करती आम विभिन्न संगठन और जिला मानक जा कर्मचारी मान सचेतन करूँ आम दाबी पूरण ना जनवरी मसने यही राजधानी में एक विराट कर्मचारी समावेश कर। नकली सर्टिफिकेट नहीं बोर्ड कर्मचारी गिरफ, स्वीपर सुपरभाइजर भ्रमरवर नायक को गिरफ करी मंगलबाग पुलिस। भ्रमरवर 45,000 टंकारे केन्दुझर जने व्यक्ति को नकली सर्टिफिकेट बिक्री करथिले। संपृक्त व्यक्ति सर्टिफिकेट नकली बोली जानिबा परे बोर्ड को अवगत कराइथिले। परे बोर्ड मंगलबाग थाना को तदंत पई चिठी करथिले। तबे ए घटना को नहीं पुलिस तदंत करी भ्रमरवर को गिरफ करी। एने बोर्ड सभापति रामाशीष हजारा कहते नकली सर्टिफिकेट संपर्क में आम कि भी जाणिना एने बोर्ड कौन संप्रति ना पुलिस तार तदंत करनेक नकली सर्टिफिकेट दे पुलिस वर्तमान सन्देह कर गिरफ कर्मचारी को बोर्ड कार्यालय पचराउचरा कर पुलिस। यही घटन अन्य सामिल अच्छा कि नहीं ता पुलिस खोलताड़ कर यार अभियोग एक्चुअली आमको सेक्रेटरी मैडम आमको गोटे फॉरवर्ड करते गोटे पिलार पिटीशन थला से केंझर पिला देवाशीष बोली जहाँकि सी तार ओएसटीईटी रे परीक्षा देता तार रेकर्ड जानापी जो सी आसला रेकर्ड शो कलानी सी आसिक आसला बोर्ड स्कूल को यही बोर्ड को आम आसला देख ला बेल यही बाबू भेट पाला मोर कहीं बोर्ड शो करूनी बोली रेकर्डा तो रेकर्ड कहीं शो करूनी बोली पचार सी कहला तुम शो करनी आम कहीं ना समस्ते जा मैट्रिक परीक्षा एक्जामेसन फेरला कह सी टे पर्स्यू कला ना आज्ञा मुझे एक्जाम मोर से टीचर टेस्ट रे तेणु मोर टे शो करा दरकार ये ताकि पैसा कही तुम जब चाहिए तो तुमको पैसा दरकार हे ये लक्षे टाँग तक डिमाण कर बट लक्षे टाँग ये कला गरीब पिला पारिनी एमती 50,000 कथ छिड़ी था ये 45,000 फोनपे मध्यम क्याश दे टोटाल सेटा भी आम हस्तगत होता भी जबत होती सी कम से कम 10-12 थर इठी आसोक मिट करापी तापर से देलापर से गोटे सर्टिफिकेट देती जो सर्टिफिकेट नहीं करते देखेगा तार वेरिफिकेशन जनागला यहाँ हूँ फेक बोली से कन्फर्म होगा मुझे गोटे ठकर शिकार हो सी आमर जन जमादार थिले सी आम नजर को जमी आसला से गोटे आम पुलिस को एफआईआर देखु और पुलिस बर्तमान इनभेस्टिगेट करमी जालियाती है आम जानू से इनभेस्टिगेसन पर डिटेल जना पड़ो। अभोग जड़े पिला आसिक आमको कही एमती गोटे गोटे सर्टिफिकेट से जोटा की ठीक नुह कटकू जावेद अहमद को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। खोर्धा जिला निर्वाचन मंडली रे राजनैतिक उष्मता बढ़िबारे लगी। बीजेडी रु निलंबित चिलिका विधायक प्रशांत जगदेव एवं पूर्वतन चिलिका बीजेडी विधायक रघुनाथ साहू को मध्य पूर्वतन विधायकों बीजेडी कार्यालय अफिस्टर भिन्न रूप देखा मिली। गत विधानसभा निर्वाचन में रघुनाथ साहू को सहयोग में प्रशांत जगदेव चिलिका विधायक होता बेले धीरे धीरे रघुनाथ साहू को श्री जगदेव उभयों मध्य विभ्राट होता। सम्मेलन में 2000+ कर्मी को दे गुरुमंत्र बाणपुर ब्लक पूर्वतन चेयरमैन रंजिता सेठी, भवानी शंकर बलियार सिंह, रमेश महापात्र, विपुल नेता एवं कर्मी एक कार्यक्रम में जोगदे। आभिमुख्य जिते चिलिका निर्वाचन मंडल 4 वर्ष है विजु जनता दल कार्यक्रम ठप होगा
ବିଧାୟକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି କେହି ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ସଂଗଠନ ବା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ନକଲେ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ବୈଠକ କଲୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି ପ୍ରାୟ 2000 ପାଖାପାଖି କର୍ମୀ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା ମୁଁ ତାର ସୁନାମ କହିକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ହଠାତ୍ ଜାଣି ବଦନାମ କରି ଲୋକେ କହିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ଇଏ ଲୋକ କି ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କହିଲେ। 2004 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ ଦଳ ନ ରହିବ, 2024 ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ସିଡିପିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ 6 ଦଫା ଦାବି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଗଣଧାରଣା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ସଲିନ ନାଗ ସୁଲକ୍ଷଣା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 4 ଦିନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। 6 ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2018 ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା 6 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 18,000 ଏବଂ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ EPF, ESICC ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ 5,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ 5,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବା ସହିତ ପରିବାରବର୍ଗର ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ, 2018 ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ବୟସ ସୀମା ନ ରଖୁ, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଶତକଡ଼ା 50% ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ନାତକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ବାକି 50% କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଶତାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆମକୁ 6ଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ 60 ପ୍ୟାକେଜ୍ କହିଲେ, ସେଥିର ଲାଗି ବୋଲି ସେ ଆମେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ଆମର ମାନ ଦେବା ଆମକୁ ନେଇ ଦେବା। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା କାଁ ହେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଯେନ୍ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାର ଲଦି ଦିଆଯାଉଛେ, ସରକାର ତ ଆମକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍, ଏତେ ଭାର ଆମର ଉପରେ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସାଜି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଧାଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ SUJ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକଟିକୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ SUJ ର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ପଦ୍ମହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ, SUJ କେନ୍ଦୁଝର ଶାଖାର ସଭାପତି ବିନୟ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, SUJ ଯାଜପୁରର ସଭାପତି ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭୁଦତ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷିଆନ ସାମ୍ବାଦିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଧାଣି, ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ SUJ ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ମାନପତ୍ର, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ, ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେଥିରେ ତୁଲାନ୍ତୁ, କେବଳ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତୁଳାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ
ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସରକାର 10,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେଠାରୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କାମ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ମଶାରୀ ଭିତରେ ବସିଲେ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଗଗନ ଓଝା। ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରି କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁତର। ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।